हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस क्लास में हम राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट आपके लिए रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं ग्वालियर शाखा, मंडोर शाखा, उज्जैन शाखा और कन्नौज शाखा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मंडोर शाखा। ये सबसे प्राचीन शाखा है राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की। मंडोर का प्राचीन नाम भी मिलता है, और मंडोर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? मांडव्यपुर। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं मंडोर का प्राचीन नाम क्या है, मांडव्यपुर। और राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों का जो मूल स्थान है वो कौन सा है? मंडोर ही है। तो सबसे पहले हम गुर्जर प्रतिहारों की मंडोर शाखा को पढ़ने वाले हैं। मंडोर की यदि हम बात करें तो मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र के द्वारा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा की जाती है? हरिश्चंद्र। मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कौन करता है? हरिश्चंद्र करता है, जो स्वयं क्षत्रिय नहीं था, क्या कौन था? ब्राह्मण था। हरिश्चंद्र जो है वो क्या था? ब्राह्मण जाति का था। हरिश्चंद्र को मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो मूल पुरुष है वो किसे कहा जाता है? हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इसका एक नाम और मिलता है, और या फिर इसकी एक उपाधि है, या इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है? रोहालिद्री। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है रोहालिद्री। किस गुर्जर प्रतिहार शासक को कहा जाता है रोहालिद्री? तो आप याद रखें हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इसके अलावा याद रखें मोहनोत नेणसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाएं हैं, और उन सभी में सबसे प्राचीन शाखा जो है वो कौन सी है? मंडोर है। तो मोहनोत नेणसी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की कितनी शाखाएं बताई हैं? 26 शाखाएं बताई हैं, और इन 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा जो है वो कौन सी है? मंडोर है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में या भारत में 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। तो गुर्जर प्रतिहारों का जो शासन काल है वो कई बार पूछा जाता है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों का जो शासन काल है वो कब से कब तक रहता है? 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक शासन करते हैं राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार। और कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं शताब्दी से लेकर के, बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, अरब आक्रमणकारियों के लिए गुर्जर प्रतिहारों ने बाधक का काम किया है। कब से लेकर कब तक? 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक। इतिहासकार रमेश मजूमदार इस बात का उल्लेख करते हैं। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है रमेश मजूमदार। रमेश मजूमदार ये कहते हैं कि अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया है 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक। किसने किया है? गुर्जर प्रतिहारों ने। ये इनका कार्यकाल जो है वो 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक रहता है। ये भी आप यहाँ से नोट करें। चंद बरदाई अपनी रचना पृथ्वीराज राजस्व में ये कहते हैं कि राजस्थान में राजपूतों की 36 शाखाएं थी। आप साथ साथ नोट करते जाएं, चंद बरदाई की रचना है, और वो रचना आप सभी जानते हैं। चंद बरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज राजस्व। तो पृथ्वीराज राजस्व में चंद बरदाई ने राजस्थान में राजपूतों की कितनी शाखाएं बताई हैं? 36 शाखाएं बताई हैं। किसकी? राजपूतों की। ये किसके द्वारा बताई गई हैं? चंद बरदाई के द्वारा। जबकि मोहनोत नेणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई हैं? 26। तो आप इनमें कंफ्यूज ना हो, 36 शाखाएं किसकी हैं? राजपूतों की। और गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं हैं? 26 शाखाएं हैं। ये 26 शाखाएं मोहनोत नेणसी ने बताई हैं, और 36 शाखाएं राजपूतों की किसने बताई हैं? चंद बरदाई ने अपनी रचना पृथ्वीराज राजस्व में। इसके अलावा इसके साथ ही हम गुहिल वंश की बात करें तो गुहिलों की कर्नल टोड के द्वारा 24 शाखाएं बताई गई हैं। गुहिलों की टोटल कितनी शाखाएं बताई हैं? 24 शाखाएं बताई हैं, और ये किसने बताया है? कर्नल टोड ने बताया है। जबकि
एक कवि हुए हैं बाकीदास जी। बाकीदास जी ने भी गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई हैं, 24 शाखाएं बताई हैं। ये बाकीदास जी वही हैं जो जोधपुर के या मारवाड़ के राजा मानसिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। इनकी रचना है, बहुत ही शानदार रचना है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक है इनकी बाकीदासरी ख्यात, और दूसरा है आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ये किसकी रचना है? बाकीदास, कवि बाकीदास की रचना है। और बाकीदासरी ख्यात, ये भी बाकीदास जी की रचना है, जो कि जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। जबकि याद रखें, वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास, जो कि मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे, इन्होंने गुहिलों की 36 शाखाएं बताई हैं। बाकी बाकीदास ने भी और कर्नल टोड ने भी कितनी शाखाएं बताई हैं? 24 बताई हैं। लेकिन वीर विनोद के रचयिता श्यामलदास कितनी शाखाएं बताते हैं गुहिलों की? 36 शाखाएं बताते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हरिश्चंद्र की, जो कि गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? हरिश्चंद्र की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ गुर्जर प्रतिहार वंश के मूल पुरुष हरिश्चंद्र, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? मंडोर। हरिश्चंद्र की प्रारंभिक जो राजधानी है, गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी, मांडव्यपुर थी। और याद रखें, हरिश्चंद्र स्वयं ब्राह्मण था, और इसके दो रानियां थी, एक रानी थी क्षत्रिय और दूसरी जो रानी थी वो कौन थी? ब्राह्मण। तो इसकी जो क्षत्रिय रानी है, जिसका नाम मिलता है भद्रा, इस क्षत्रिय रानी का नाम क्या मिलता है? भद्रा। और इसके 4 पुत्र होते हैं, और वो चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक का नाम मिलता है भोग भट्ट, भोग भट्ट, दूसरा है कद्दक, और तीसरे नंबर का जो पुत्र है वो होता है रज्जिल, वेरी इंपॉर्टेंट, रज्जिल, और चौथा जो पुत्र है वो कौन होता है? दह। कहते हैं कि इन चारों ने मिलकर के मंडोर के चारों ओर परकोटा तैयार किया था। किसने किया था? क्षत्रिय रानी या फिर हरिश्चंद्र के पुत्र भोग भट्ट, कद्दक, रज्जिल और दह, इन चारों के द्वारा मिलकर के ये मंडोर के चारों ओर परकोटा तैयार करवाते हैं। और इन सब में सबसे प्रतापी था रज्जिल, जो कि मंडोर का राजा बनता है। तो ये हरिश्चंद्र के तीसरे नंबर का पुत्र था रज्जिल, और आगे चल करके हरिश्चंद्र के बाद राजा कौन बनता है? रज्जिल बनता है। और याद रखें, इसी रज्जिल के बाद गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली की शुरुआत होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली की जो शुरुआत है, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली की शुरुआत किसके किसके शासनकाल के बाद होती है? तो आपका आंसर होगा रज्जिल। रज्जिल के बाद जितने भी शासक बनेंगे वो रज्जिल के वंश से संबंधित होंगे, इसीलिए कहा जाता है कि वंशावली की जो शुरुआत है गुर्जर प्रतिहारों में वो रज्जिल के बाद होती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? तो अभी हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन आपको दिए गए हैं जोधपुर, माउंट आबू, मंडोर और मेड़ता। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक है हरिश्चंद्र, उनकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? मंडोर या फिर मांडव्यपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? मंडोर का ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक था जिसके बाद वंशावली की शुरुआत होती है या वंशावली प्रारंभ होती है? तो वो शासक था दोस्तों कौन सा? रज्जिल। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। और देखिए, रज्जिल के एक बेटा था जिसका नाम मिलता है नरभट, रज्जिल का बेटा जिसका नाम क्या था? नरभट। और याद रखें, रज्जिल के बाद शासक कौन बनेगा? नरभट बनेगा। और इस नरभट की एक बहुत ही शानदार उपाधि है, और वो उपाधि कौन सी है? पिल्ला पल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट, नरभट की उपाधि पिल्ला पल्ली। किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि थी? तो याद रखें किसकी थी? नरभट की, जिसका अर्थ होता है रण में कुशलता दिखाना। पिल्ला पल्ली का जो अर्थ है वो क्या होता है? रण में कुशलता दिखाने के कारण नरभट को पिल्ला पल्ली की उपाधि दी गई थी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मंडोर शाखा के निम्नलिखित प्रतिहार शासकों पर विचार कीजिए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं नागभट प्रथम, रज्जिल, बाउक और
इन शासकों को सही काल क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा हरिश्चंद्र को। तो हरिश्चंद्र के बारे में हमने पढ़ा कि हरिश्चंद्र की दो रानियां थी, क्षत्रिय रानी और ब्राह्मण। तो क्षत्रिय रानी के चार संतान होती हैं और उन चारों संतानों में से हरिश्चंद्र के बाद मंडोर का शासक कौन बनेगा? रज्जिल बनेगा। और रज्जिल के बाद शासक बनता है इनका पुत्र, जिसका नाम मिलता है नरभट। अभी हमने नरभट की चर्चा की थी, जिसकी उपाधि है पिल्लापल्ली। और नरभट के बाद शासक कौन बनेगा? नरभट का पुत्र नागभट। आप साथ साथ यहां से नोट कर सकते हैं, नागभट कौन सा? नागभट प्रथम। और नागभट प्रथम के बाद इसका पुत्र तात मंडोर का राजा बनता है, और तात के बाद सिलुक, और उसके बाद बाउक शासक बनता है। ये इनका क्रम है मंडोर के गुर्जर प्रतिहार शासकों का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की हम बात करें तो सबसे पहले देखिए रज्जिल, रज्जिल के बाद नरभट, उसके बाद नागभट, उसके बाद तात, उसके बाद सिलुक और उसके बाद बाउक। तो सबसे पहले 2 नंबर पे रज्जिल आपको दिया गया है, तो 2 नंबर किस ऑप्शन में आपको दिया गया है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। रज्जिल के बाद शासक बनेगा नागभट, नरभट बनेगा। नरभट ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया, तो कौन बनेगा? नागभट। नागभट के बाद में तात, उसके बाद में कौन बनेगा? बाऊ। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से मंडोर के किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने मंडोर के स्थान पर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं बाउक, रज्जिल, नागभट प्रथम और सिलुक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागभट प्रथम। नागभट प्रथम के कार्यकाल की बात करें तो नागभट प्रथम का जो कार्यकाल है वो आप यहां से नोट कर सकते हैं, 730 ईस्वी से लेकर के 756 ईस्वी तक शासन करते हैं नागभट प्रथम। इसके अलावा इसका एक नाम और मिलता है और वो नाम है नाहड़। क्या नाम मिलता है? नाहड़। किसका किसका नाम है ये? नागभट प्रथम का। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में 3 बातें आप यहां से नोट कर सकते हैं। और पहली बात है आपकी, पहली जो बात है वो क्या है? गुर्जर प्रतिहारों का जो मूल पुरुष है वो किसे माना जाता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था मूल पुरुष किसे माना जाता है? हरिश्चंद्र को। दूसरा आप नोट कर सकते हैं गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली की जो शुरुआत है, वंशावली की शुरुआत, और ये वंशावली की शुरुआत किसके शासनकाल के बाद होती है? रज्जिल के बाद। और तीसरा आप यहां से नोट करें गुर्जर प्रतिहारों का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है? नागभट प्रथम को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? नागभट प्रथम। दोस्तों प्रतिहार का अर्थ होता है पालक। प्रतिहार का जो अर्थ है वो क्या होता है? पालक, द्वारपाल या फिर प्रतिपालक। और राजस्थान में जितने भी गुर्जर प्रतिहार राजा है उनमें से नागभट प्रथम को शिलालेखों में भगवान राम का प्रतिपालक कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक है जिसे भगवान राम का प्रतिपालक कहा गया है? तो वो है आपका नागभट प्रथम। इसके अलावा अरब आक्रमणकारियों को हराने के कारण नागभट प्रथम को नारायण की मूर्ति का प्रतिरूप, वेरी इंपॉर्टेंट, नागभट प्रथम की एक उपाधि है नारायण की मूर्ति का प्रतिरूप। आप साथ साथ यहां से नोट कर सकते हैं नारायण की मूर्ति का प्रतिरूप किस शासक को कहा जाता है? नागभट प्रथम को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अरब आक्रमणकारियों को हराया था, और अरब आक्रमणकारियों को हराने के कारण इसको मलेच्छों का नाशक भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है? मलेच्छों का नाशक। आप साथ साथ नोट करते जाएं मलेच्छों का नाशक किस प्रतिहार शासक को कहा जाता है? नागभट प्रथम को। और इन सभी बातों का जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति या फिर ग्वालियर अभिलेख। ये भी आप यहां से नोट करें, इन सभी बातों का, इन उपाधियों का जो वर्णन है वो किसमें मिलता है? ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा नागभट प्रथम को इंद्र के गर्व का नाशक और मेघनाद के युद्ध का अवरोधक भी कहा जाता है। ये भी आप यहां से नोट कर सकते हैं, इंद्र के गर्व का नाशक किस शासक को कहा जाता है? नागभट प्रथम को। इसके अलावा मेघनाद के युद्ध का जो बाधक है वो भी किसे कहा जाता है? नागभट प्रथम को ही कहा जाता है। इसके अलावा नागभट प्रथम के बारे में बहुत ही शानदार बात जो इसे गुर्जर प्रतिहारों का सबसे प्रतापी शासक सिद्ध करती है, और वो बातें हैं
याद रखें, गुर्जर प्रतिहारों में सबसे ज्यादा राजधानियां बदलने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? नागभट्ट प्रथम को ही है। सबसे पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी मंडोर। नागभट्ट प्रथम की पहली राजधानी कौन सी थी? मंडोर, या फिर इसका प्राचीन नाम क्या है? मांडव्यपुर। इसके बाद इसने मंडोर से राजधानी स्थानांतरित की कहां पे? मेड़ता। और मेड़ता का भी प्राचीन नाम मिलता है मेदिनीपुर। मेड़ता का प्राचीन नाम क्या मिलता है? मेदिनीपुर। और मंडोर से मेड़ता राजधानी स्थानांतरित करने का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? घटियाला से अभिलेख में मिलता है। ये भी आप यहाँ से नोट करें, मंडोर से राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित करता है नागभट्ट प्रथम? मेड़ता स्थानांतरित करता है। और इन बातों का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? घटियाला शिलालेख में। और याद रखें, घटियाला अभिलेख गुर्जर प्रतिहार शासक कक्कू के समय का है, जो कि 861 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया जाता है। मेड़ता के बाद की हम बात करें तो मेड़ता के बाद तीसरे नंबर की जो राजधानी है नागभट्ट प्रथम की वो कौन सी होती है? भीनमाल। वेरी इंपॉर्टेंट। और भीनमाल का प्राचीन नाम भी मिलता है, और प्राचीन नाम आप सभी जानते हैं क्या है? श्रीमाल। इस बात का उल्लेख, भीनमाल का जो प्राचीन नाम श्रीमाल है, इसका उल्लेख किस में मिलता है? बिजोलिया अभिलेख में मिलता है, जो कि 1170 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया जाता है, या फिर 1170 ईस्वी का है। कहते हैं कि हेनसांग 7वीं शताब्दी में राजस्थान में भीनमाल और बैराट की यात्रा पे आया था, और हेनसांग ने भीनमाल के लिए यहाँ पे एक शब्द का उपयोग किया था। वो शब्द क्या है? पीलो मोलो। वेरी इंपॉर्टेंट। पीलो मोलो किसे कहा जाता है? भीनमाल को कहा जाता है। और इस शब्द का उपयोग कौन करता है? हेनसांग करता है। और नागभट्ट की राजधानी भीनमाल और इसका नाम पीलोमोलो, इन दोनों का उल्लेख भी हेनसांग ने किया है। इसके अलावा हेनसांग ने गुर्जर प्रतिहारों का जो क्षेत्र है उसके लिए भी एक शब्द का प्रयोग किया है, गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र के लिए। और वो शब्द है, आप यहाँ से नोट करें, कुचेलो। गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र को क्या कहा गया है? कुचेलो कहा गया है। और इस समय हेनसांग राजस्थान आया था, उस समय गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? भीनमाल थी। ये भी आप यहाँ से याद रखें, गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? भीनमाल थी, जब हेनसांग राजस्थान में भीनमाल आया था। भीनमाल के बाद की हम बात करें तो भीनमाल के बाद चौथे नंबर की जो राजधानी है नागभट्ट प्रथम की, वो नागभट्ट प्रथम किसे बनाता है? जालौर को बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी राजधानी किसे बनाता है? जालौर। और याद रखें, जालौर के भी अनेक नाम मिलते हैं, इसे जाबालीपुर भी कहा गया है। और जाबालीपुर नाम का जो उल्लेख है वो भी किस में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में। जबकि अजमेर के एक चौहान शासक हुए हैं विग्रहराज चतुर्थ, इन्होंने इनका नाम जो है वो क्या रखा था? ज्वालापुर रखा था। जालौर का जो नाम है वो ज्वालापुर किसने रखा? अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें हम बिसलदेव भी कहते हैं। और याद रखें, इतिहासकार दशरथ शर्मा इस बात का उल्लेख करते हैं कि जालौर नागभट्ट प्रथम की राजधानी थी। तो जालौर राजधानी का जो उल्लेख है वो किसने किया है? इतिहासकार दशरथ शर्मा के द्वारा किया गया है। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहारों की मंडोर शाखा के बाद जालौर शाखा का जो संस्थापक है वो भी कौन था? कौन है? नागभट्ट प्रथम। देखिए, नागभट्ट प्रथम मंडोर शाखा का भी संस्थापक है, और गुर्जर प्रतिहारों की जो जालौर शाखा है उसका संस्थापक भी को किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को। जालौर के बाद हम बात करें तो जालौर के बाद पांचवें नंबर की जो राजधानी है नागभट्ट प्रथम की वो किसे बनाता है? उज्जैन को बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अवंती भी कहा जाता है। इस प्रकार नागभट्ट की पांच राजधानियों का जो क्रम है वो आप यहाँ से याद रखें। पहली राजधानी मंडोर, उसके बाद मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की जाती है, तीसरे नंबर की राजधानी भीनमाल, चौथे नंबर की राजधानी जालौर, और पांचवी राजधानी किसे बनाता है? उज्जैन को बनाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नागभट्ट प्रथम। चलिए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मंडोर के प्रतिहार, गुहिलोत, कछवा वंश और सिसोदिया वंश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मंडोर के प्रतिहार वंश। हमने पढ़ा हरिश्चंद्र को हमने पढ़ा, और हरिश्चंद्र के बाद शासक कौन बना था? हरिश्चंद्र का पुत्र रज्जिल, और रज्जिल के बाद शासक बना नरभट, और नरभट के बाद नागभट प्रथम, उसके बाद तात, उसके बाद सिलुक,
और सिलुक के बाद बाउक और बाउक के बाद शासक बनता है ककुक। ये इनका क्रम आपको यहाँ पे याद रखना, पहले हरिश्चंद्र, उसके बाद रज्जिल, रज्जिल के बाद उसका बेटा नरभट, नरभट के बाद उसका पुत्र नागभट प्रथम, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, नरभट नागभट प्रथम के बाद तात, और तात के बाद सिलुक, और सिलुक के बाद शासक कौन बनता है, बाउक बनता है, और बाउक के बाद शासक बनेगा आपका ककुक। अब हम चर्चा करेंगे गुर्जर प्रतिहार शासक ककुक की, चर्चा यहाँ पे करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको शिलालेख पूछा गया है कि घटियाला शिलालेख किस वंश से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका मंडोर के प्रतिहार शासकों से संबंधित है। और ये जो घटियाला अभिलेख है वो किसके समय का है, ये ककुक के समय में उत्कीर्ण करवाया जाता है। और याद रखें घटियाला शिलालेख जो है वो कब उत्कीर्ण करवाया जाता है, 861 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया जाता है। और ये किस भाषा में उत्कीर्ण किया गया, तो इसकी दो भाषाएं हैं, संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में ये लिखा गया है। जबकि लिपि की बात करें तो इसकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि, वेरी इंपॉर्टेंट। घटियाला शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में। तो चलिए घटियाला शिलालेख के बारे में विस्तार से चर्चा हम करते हैं। याद रखें घटियाला अभिलेख जो है वो चार अभिलेखीय लेखों का समूह है। कितने अभिलेखों का समूह है ये, चार अभिलेखों का समूह है। और नागभट प्रथम अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की, इस बात का जो वर्णन है, उल्लेख है, वो भी घटियाला शिलालेख में मिलता है। इसके अलावा इसमें मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से ब्राह्मणों का, मग जाति के जो ब्राह्मण है उनका उल्लेख जो है वो किसमें मिलता है, घटियाला शिलालेख में मिलता है। और मग जाति के ब्राह्मण इस समय जो जैन मंदिर हुआ करते थे उनमें पूजा का कार्य किया करते थे, ये मग जाति के ब्राह्मण। जैन मंदिरों की स्थापना का जो प्रमाण है वो भी आपका घटियाला शिलालेख में ही मिलता है। इस शिलालेख के रचयिता की बात करें तो इस शिलालेख के रचयिता मग जाति के ब्राह्मण थे, जबकि इस अभिलेख को ककुक के समय उत्कीर्ण करवाने का जो श्रेय है वो किसका है, कृष्णेश्वर, वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा ये उत्कीर्ण करवाया जाता है, कृष्णेश्वर के द्वारा ये शिलालेख, घटियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाया जाता है। किसके समय में, गुर्जर प्रतिहार शासक ककुक के समय में। यह राजस्थान का पहला एक ऐसा अभिलेख है जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ण व्यवस्था चार वर्ण है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र। वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख में किया गया, सबसे पहले घटियाला शिलालेख में। इसके अलावा ये अभिलेख ककुक द्वारा आभिरों पर विजय का उल्लेख भी करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा अभिलेख है जो गुर्जर प्रतिहार शासक ककुक के द्वारा आभिरों पर विजय का उल्लेख करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आभिरों पर विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, घटियाला शिलालेख में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मंडोर के प्रतिहार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन आपके सामने है फारसी, संस्कृत, हिंदी और मारवाड़ी। तो इस शिलालेख की दो भाषाएं थी, एक संस्कृत और दूसरी कौन सी है, प्राकृत। ऑप्शन में आपको संस्कृत दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है, किस प्रतिहार शासक के समय इसे उत्कीर्ण करवाया जाता है। और यह भी मैंने बताया आपको, उत्कीर्ण कराने का जो श्रेय है वो किसको किसको जाता है, कृष्णेश्वर को जाता है। कृष्णेश्वर ने मग जाति के ब्राह्मणों द्वारा ये उत्कीर्ण किया जाता है, जबकि कृष्णेश्वर ने इस अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया था। किसके समय में उत्कीर्ण करवाया जाता है, तो गुर्जर प्रतिहार शासक ककुक के समय ये उत्कीर्ण करवाया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ककुक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य आपको यहाँ पे बताना है। ए में आपको दिया है अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण है, ये बात बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सत्य है। अभिलेख में
मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है, तो ये बात भी यहाँ पे क्या है, सत्य है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है, अभिलेख में नागभट्ट प्रथम के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है, तो ये बात यहाँ पे क्या है, गलत है, क्योंकि नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी, ना कि मंडोर में स्थानांतरित की थी, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल असत्य है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। इसके अलावा यह अभिलेख चार अभिलेख ही लेखों का समूह है, ये बात भी यहाँ पे सत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की अभीरों पर विजय का दावा करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभीरों पर विजय का दावा कौन सा अभिलेख करता है? ऑप्शन आपको दिए हैं बिजोलिया अभिलेख, अर्थुणा अभिलेख, घटियाला अभिलेख और चिरवा अभिलेख, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घटियाला अभिलेख। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।